नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का वन इंडिया में। भारत में इस हफ्ते से क्रिकेट के त्यौहार आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। इस साल आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है, जिसकी वजह से ये आईपीएल और भी ज्यादा रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। इस साल टीमों में नए खिलाड़ियों को जगह मिली है, तो ऐसे में इस साल कोई नया चैंपियन भी दिखाई दे सकता है। अब चैंपियन से याद आया, इस साल आरसीबी की टीम भी आईपीएल की विजेता बन सकती है, क्योंकि उनकी टीम से लेकर उनके कप्तान भी नए हैं। लेकिन अगर उन्हें इस साल चैंपियन बनना है तो फिर उनके लिए किसी एक खिलाड़ी को एक्स फैक्टर बनना होगा। तो चलिए फिर जानते हैं कि इस साल आरसीबी के लिए वो खिलाड़ी कौन हो सकता है। आरसीबी साल 2008 से ही आईपीएल खेल रही है, लेकिन आज तक उनके नाम एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। लेकिन इस साल फैंस एक बार फिर ई कप नामदे कहने के लिए तैयार हैं, और इसमें उनकी मदद दिग्गज विराट कोहली कर सकते हैं। जी हाँ, विराट कोहली ही वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो इस साल आरसीबी के लिए एक्स फैक्टर बनने का मुद्दा रखते हैं। आरसीबी को उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। उन्होंने आरसीबी के लिए खेलते हुए क्या किया है ये तो सभी जानते हैं। हालांकि कोहली इस वक्त उस लय में नहीं है जिस तरह से वो पहले खेला करते थे, लेकिन जिस टीम में कोहली होते हैं तो सभी की निगाहें सिर्फ उन पर रहती हैं। भले ही कोहली ने आईपीएल में पिछले दो सीजन में कुछ खास करके ना दिखाया हो, लेकिन अगर वो चले तो गेंदबाजों की खैर नहीं है। उन पर अब कप्तानी का दबाव नहीं है, ऐसे में वो और भी ज्यादा खतरनाक होते दिखाई दे रही हैं। कोहली का बल्ला भले ही लाल गेंद से पूरी तरह शांत हो गया हो, लेकिन सफेद गेंद से वो अभी भी रन बना रही हैं। वो एक सीजन में क्या कर सकते हैं ये तो उन्होंने साल 2016 के सीजन में 993 रन और 4 शतक लगाकर बता ही दिया था। यानी कि बात तय है, अगर इस बार कोहली का बल्ला चला तो वो आरसीबी को पहला कप दिलाने में कामयाब रहेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।